आज अभी इसी वक्त तुम्हें निर्णय लेना है अनिरुद्ध कि किसे बचाना चाहते हो तुम, शाश्वती और बाकी लड़कियों को बाल विवाह से या अपने प्यार को। किसके आंसू पोंछने हैं तुम्हें, शाश्वती और बाकी सैकड़ों लड़कियों के या फिर सिर्फ बॉन्डिता के? पुरानी परंपराओं से लड़ने के लिए और अपने देश को कुरीतियों से बचाने के लिए आया हूं मैं लंदन से वापस। अंग्रेजों की गुलामी से कई ज्यादा खतरनाक है इन परंपराओं और प्रथाओं की गुलामी। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे औरतों के साथ ऐसे ही अत्याचार होता है। जाओ इंडिया में, वुमन की रक्षक बनो, इसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। आप यही चाहते हैं ना काका कि मैं बॉन्डिता के पास ना जाऊं, वरना आप शाश्वती और तुलसीपुर की बाकी लड़कियों की शादी करवा देंगे, उनका बाल विवाह करवा देंगे। ठीक है काका, मैं अपना निर्णय वापस लेता हूं। नहीं जाऊंगा मैं बॉन्डिता के पास, नहीं जाऊंगा मैं बॉन्डिता का साथ देने, नहीं जाऊंगा बॉन्डिता का हाथ थामने, नहीं जाऊंगा बॉन्डिता के आंसू पोंछने, उसका सहारा बनने। नहीं जाऊंगा अपना पूरा प्यार पूरा करने। अब आप खुश है ना, मिल गया आपको जो आप चाहते थे। नहीं जाऊंगा बॉन्डिता के पास, मुझे माफ कर देना बॉन्डिता। भाग गया यहां से, शादी वादी कुछ नहीं करने वाला हो। सखा बाबू, शुक्र है कि जमाई बाबू वहां पहुंच गए और बॉन्डिता को सुरक्षित वापस ले आए। अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठाकुर माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। उसे यहां से लेकर जाओ, अभी के अभी लेकर जाइए यहां से। मैं आपको कह चुकी हूं ना, कोई रिश्ता नहीं है मेरा बॉन्डिता के साथ। मां नहीं हूं मैं इसकी, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। लेकर जाओ उसे यहां से। इतना पत्थर दिल भी मत बनिए सुमति काकी, हम सब जानते हैं कि ये सब किया कराया उस धोखेबाज अनिरुद्ध रॉय चौधरी का है। मां की दी हुई कसम किसने खाई थी, इसने या अनिरुद्ध ने? आज के बाद वो अनिरुद्ध बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी बॉन्डिता। खा कसम, मां की दी हुई कसम तोड़ने की सजा किसको मिलनी चाहिए, इसे या उस अनिरुद्ध को? लाख बोलने के बाद भी घर से भाग गई थी ना ये, तो क्यों मैं अपनाऊं इसे? मैं माँ की आज्ञा के बिना एक कदम भी इस घर से बाहर नहीं रखूंगी। मैं बात करती हूँ ना सुमति काकी से, उन्होंने तुम्हें इशारा करके हाँ कहा तो तुम चली जाना वरिष्ठ बाबू के साथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ बॉन्डिता की गलतियों की। ये आप उसे डांटिए, चिल्लाइए, मारिए, जो सजा देनी है वो दीजिए, पर इसे मुंह मोड़ लेंगी तो वो कैसे जिएगी? तो ना जिए, मर जाए। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना कि औरतों को न्याय दिलाएगी, अब कर कर खुद के साथ न्याय कर। कहती थी ना औरतें कभी कमजोर नहीं पड़ती, अब देख खुद को, प्यार में कमजोर हो गई ना तू। अरे लंदन से बैरिस्टरी करके आई थी तू, देख आज तू अपने बैरिस्टर बाबू से जिंदगी की सबसे बड़ी मुकदमा हार गई है। बोलती तो हार गई है, देख खुद को, ऐसे पैर के जूते की तरह उतार के फेंक दिया उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने, देख। मुझे माफ कर दो अनिरुद्ध, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम सच में
बहुत महान इंसान हो। और आज तुम्हारे सामने ये लोग इंसान कहने के अधिकारी भी नहीं रहे। आज शाश्वती और हजारों बच्चियों के लिए तुमने अपना और बंदिता का प्यार कुर्बान किया है। रिश्ते में शायद हम तुमसे बड़े इंसानियत की नजरों में चुके हैं, तुम्हारे आगे चुके हैं। जब तक अनिरुद्ध रॉय चौधरी जिंदा है तब तक किसी बच्ची के साथ बाल विवाह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए कोई भी कुप्रथा अपना सर नहीं उठा पाएगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना प्यार छोड़ना पड़े, अपना दिल तोड़ना पड़े, क्या अपनी जान देनी पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने कहीं छुआ तो नहीं है ना? कुछ कुछ हुआ तो नहीं ना तुम दोनों के बीच? बोल। कहीं तेरे पे धाक तो नहीं लगाया ना बंदिता? बंदिता चुप मत रह, तुझे मेरी कसम नहीं, कसम नहीं दूंगी मैं तुझे। एक बार तूने पहले भी कसम के नाम पे मुझे धोखा दिया था, मुझे तेरी कोई भी बात पर भरोसा नहीं है। पहले ही कहती थी मैं कि घर की बेल को दीवार फांदने से पहले काट देना चाहिए। एक बार बाहर गई नहीं कि सबकी हो जाती है। देख लो अब सारे समाज में हमारी बदनामी हो रही है, तमाशा हो रहा है। लेकिन बंदिता की कोई गलती नहीं है ठाकुमा, तो वो क्यों बदनाम होगी? अब तो वो भुगतेगा जिसने गलत किया है हमारी बंदिता के साथ। बंदिता तुम एक बड़ा सा मुकदमा ठोको उस बैरिस्टर बाबू पे तुम्हारे अपहरण का। जितनी भी कानून की धाराएं हैं वो सब लगा उस पे। हम सब गवाह हैं, हम सब ने देखा है कि वो कैसे अपने प्यार में फंसाकर यहां से भगा के लेके गया था। ऐसा उदाहरण बना उसका कि आइंदा कोई लड़का कभी किसी लड़की को झूठा वादा करके उसे छोड़ के जाने की हिम्मत ना करे। हाँ बंदिता, अब ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं है बल्कि हर उस लड़की की है जो प्यार पे भरोसा करके धोखा खाती है। सुंदर दुल्हन बनाऊंगा तुम्हें, कोई है नहीं हमारे साथ। रॉय चौधरियों की बारात फिर भी आएगी, बाराती होंगे सारे सितारे, चमचमाती चादर सी रात होगी और उस रात की चादर तले हम फेरे लेंगे, हाथों में हाथ डालकर जन्म जन्म के साथ। अनिरुद्ध, तूने बंदिता को बैरिस्टर बनाया, आज मैंने उसी बैरिस्टरी का इस्तेमाल कर बंदिता को तेरे विरुद्ध खड़ा कर दिया है। अब होगा असली खेल। बहुत खुश है हम, बंदिता से छुटकारा मिल गया और हमें तो लगता है कि अपनी जमींदारी का रुआ बढ़ाने के लिए और बैरिस्टर बाबू की खोई हुई छवि को सुधारने के लिए हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए सोमनाथ। और वो कैसे काका? अरे वो ऐसे है कि हम गांव वालों को, मुखिया को, सबको यहाँ बुला लेंगे और उनसे कहेंगे, देखो तुम्हारे बैरिस्टर बाबू, तुम्हारे मसीहा ने ठाकू माँ की पोती को अपने साथ भगा कर ले गया, कुछ दिन साथ बिताए और फिर छोड़ दिया। अरे सोचो, गांव गांव में उनके ऊपर थू-थू हो जाएगी, कालिख पुट जाएगी उनके मुंह पे, है ना? तुम जाओ गांव वालों को, मुखिया को बुला लाओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है।
हो गया, लाओ दो मुझे, ये मैं जाके कचहरी में दाखिल। क्या हुआ, ऐसा क्या लिख दिया इसने? अब ये सब क्या है वांदे? होश में तो हो तुम? हाँ मैं होश में हूँ, और ये सब मैंने पूरे होशो हवास में लिखा है। मैंने लिखा है कि बोंदिता प्यार करती है अपने बरिस्तरा बाबू से। मैंने लिखा है कि बरिस्तरा बाबू प्यार करते हैं अपनी बोंदिता से। और एक बार नहीं लिखा है, 100 बार लिखा है। और ये सब मैंने कागज पे नहीं लिखा है, मैंने अपने दिल पे लिखा है, अपनी आत्मा पे लिखा है। बोंदिता जिएगी तो अपने बरिस्तरा बाबू के लिए, और मरेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बरिस्तरा बाबू। बस चुप, पागल हो गई है? इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उतरा नहीं है तेरे सर से प्यार का भूत? माँ, प्यार सर से उतारा नहीं जाता, वो तो बुखार बनकर सर पे चढ़ जाता है। और प्यार को जितना बुझाओ ना, वो उतना ही जलता है। और माँ, तूने पूछा था ना कि क्या बरिस्तरा बाबू ने मुझे छुआ है? हाँ, बरिस्तरा बाबू ने मुझे छुआ है। छुआ है उन्होंने मुझे, पर मेरे शरीर को नहीं, मेरे दिल को छुआ है, मेरे रूह को छुआ है। और तू ये भी कह रही थी ना कि क्या कोई दाग लगाया उन्होंने? उन्होंने मुझ पर दाग नहीं मां, अपनी मोहर लगाई है। कालिक से नहीं, प्यार के रंग से रंगा है। अगर उनको मुझसे बदला लेना होता, मुझे बदनाम करना होता, तो वो मेरा फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मैं पवित्र हूं, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि बरिस्तरा बाबू ने मुझे छुआ नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमारा प्यार पवित्र है। बोंदिता तू सुमति, भूल के प्यार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे उसमें लगे कांटे दिखाई नहीं देते। अगर तेरा बरिस्तरा बाबू तुझसे इतना पवित्र प्यार करता है तो तुझे छोड़कर क्यों चला गया? जरूर उनकी कोई बड़ी वजह रही होगी, वरना वो ऐसे कभी नहीं करते। सूखा खाना और झूठा बहाना दोनों ही भला नहीं करते, और तू भी अपने मन को झूठे बहाने से बहलाना बंद कर दे। ठाकुमा, ये बहाना नहीं है, ये भरोसा है। मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा अपने सखा बाबू पे करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे सखा बाबू मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया सोमनाथ, मेरे रहते बोंदिता की इज्जत पर, उसके चरित्र पर किसी को कीचड़ नहीं उछालने दूंगा मैं। पर एक बात कह दो काका से सोम, मैं बोंदिता से प्यार करता हूं। बोंदिता मेरा प्यार है, मेरी पूजा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरी सखी है, मेरी जन्म जन्म की साथी है। सखा बाबू और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ गया है। सखा बाबू मेरे अतीत है, मेरा आज है, मेरा आने वाला कल है। मेरे शिक्षक बाबू है, मेरे रक्षक बाबू है, मेरे सखा बाबू है, मेरे सब कुछ है। इसीलिए अब चाहे जो हो जाए, मैं सखा बाबू से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। काका, मैं प्यार करता हूँ बोंदिता से, बहुत प्यार। नाम मत लो, नाम मत लो उसका हमारे सामने। नाम कैसे ना लो,
कैसे ना लूं मैं नाम सोनू, कैसे ना लूं वो नाम जो मेरी हर सांस में है। मैं कुछ कहने जाता हूं ना तो मेरे जुबान पर सबसे पहले सिर्फ एक नाम आता है और वो है बौंदकर। कोई कोई मुझे आवाज देता है तो मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, सिर्फ एक नाम गूंजता है और वो है बौंदकर। आईने में देखता हूं तो मुझे बौंदता दिखाई देती है। तो हमें जुदा करने की कोई चाहे लाख कोशिशें करने पर हमें जुदा नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो मेरे दिलो दिमाग से बौंदता की निशानी कैसे मिटा पाएंगे। आपने हमारी शादी होने से रोक ली, पर आप मेरे दिल को बौंदता के लिए धड़कने से, मेरी रूह को बौंदता से प्यार करने से नहीं रोक सकते काका। आप उन्हें मेरे दिल में से कैसे निकालेंगे ठाकुर माँ, क्योंकि वो तो मेरे रगों में बह रहे हैं। कतरा कतरा करके कैसे निकालेंगे आप उन्हें मुझ में से, क्योंकि हर एक कतरा जो बहेगा वो सिर्फ सखा बाबू कहेगा। इसीलिए एक बात समझ ली जाए, बौंदता मेरी थी, मेरी है और हमेशा रहेगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप सब। दूर रहकर भी मेरा दिल, मेरी रूह बौंदता के साथ है। ये सिंदूर का रंग इस बात का प्रतीक है कि अब मेरा रोम रोम बौद्धता के प्यार में रंग चुका है। अब दो जिस्म एक जान एक नाम बन गए हैं। जो रिश्ता प्रथाओं के भंवर से उभरा है, जिस रिश्ते पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे बस उम्मीद है कि बौंदता को मुझ पर भरोसा भी हो, अगर नहीं तो मैं उसका भरोसा जीतूंगा, उसे भरोसा दिलवाऊंगा और उसे बताऊंगा कि क्यों मुझे चंदन नगर से वापस आना पड़ा।